कम हक सुभान कह रही साथ गिरो मोमिन। तो अर्श अजीम की करी सायत कायम रोशन, तो अर्श अजीम की कायम खोले द्वार, हक हादी रूही बैठक जित है नित बिहार। अक्षरातीत की आदेश की शक्ति, उनके हुक्म की शक्ति हमेशा ब्रह्म प्रियाओं के संग रहती है। इन्हीं के वास्ते परम धाम की अखंड लीला को दुनिया में प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते ही तारतम ज्ञान के द्वारा दिव्य परम धाम के अखंड सुखों के दरवाजे खोल रहे हैं। दिव्य परम धाम जहाँ शिवराज श्यामा जी और सखियों की बैठक है, मूल मिलावा है, और जहाँ नित्य प्रति प्रेम और आनंद से भरपूर लीलाएं होती हैं। अब कहूँ चौक पांचवा फिरता चबूतरा गिरद्वाए, फिरते तले 60 मंदिर पूरी चारों तरफों चार दिखाए। एक जवेर चेतन हीरे का तामे रंग जवेर और नकस कटाव चित्रामन देखकर जुदे रंग ठोर ठोर। श्री महामती जी श्री लाल दास महाराज जी कृत परम धाम की बड़ी वृत्ति में मूल मिलावे का विहंगम वर्णन रूहों के वास्ते प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री रंग महल की धाम दरवाजे को पार करके 28 स्तंभ का चौक नूर से जगमग करता हुआ पार किया, आगे करोड़ों सूर्यों से भी कोट गुनी आभा से झिलमिलाती चार हवेलियां पार की, तो सामने पांचवा चौक मूल मिलावा है, जिसकी अलौकिक शोभा का वर्णन स्वयं शिवराज जी श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। पांची गोल हवेली को घेर कर 60 मंदिर आए हैं और चारों दिशाओं में चार दरवाजे हैं। ये 60ों मंदिर एक ही हीरे की है और नूर से भरपूर है, चेतनता लिए हैं। एक हीरे में कई रंगों नगों का चढ़ाव आया है। मंदिरों की नक्काशकारी चित्रामन चेतनता लिए जुदे जुदे रंगों से सुसज्जित है। नक्काशी में आई बेल बूटियां पुतलियां चेतन है। आगे इन मंदिरों के थम 64 हारे दोए, तामे एक मंदिर के आगे लगा दूसरी चबूतरे सोए। घेर कराई 60 मंदिरों के, भीती तरफ थंबों की दो हारे आई हैं। मंदिरों से भीती तरफ एक नूरमयी गली। इन एक मंदिर की दूरी पर पहली हार थंबों की आई है। पुनः इन थंबों के भीतर एक मंदिर की गली नूरी गली फिरी है और ठीक मध्य में इन थंबों से भीतर एक मंदिर की दूरी पर 64 पहल का कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। उन्हें शोभा को समझते हैं घेर कर आए 60 मंदिर। 60 मंदिरों की भीती तरफ एक मंदिर की नूर में गली फिरी है, फिर एक थंबू की हार, पुने नूरमयी गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा 64 पहल का चबूतरा, जिनकी किनार पर भी थंबू की दूसरी हार आई है। नूरमयी थंब उनपे आए चेतन चित्रामन और मेहराबों की शोभा अति सुंदर आई है। देखन के हर मंदिरन के होत दरवाजे चार, लेखी आवत तीन तीन हक खादी करे बिहार। मूल मिलावे को घेर कर आए इन नूरी मंदिरों में देखने के चार चार दरवाजे हैं, लेकिन पाखी का दरवाजा दोनों मंदिरों में
काम आता है, इसलिए गिनती में तीन तीन दरवाजे हुए। 60 मंदिर के चौक में मंदिरों के बाहर भी 64 थम आए हैं। इस तरह से इन 60 मंदिरों की बाहरी ओर भी थंबों की एक हार, भीतर की ओर और एक थंबों की हार 64 पहल चबूतरे पर। अब मध्य में जो 64 पहल का चबूतरा आया है, जिसे घेर कर किनार पर 64 थंबाए हैं, उनका वर्णन अब होने जा रहा है। दोए पांच सामे दोए नीलवी, दोए मानिक सामने पुखराज, साम सामे किरणा लड़े, रहा नूर जोत जवेर विराज। दोए पांच जोड़े नीलवी, नीलवी जोड़े पांच बुजरग, दोए मानिक जोड़े पुखराज, दोए पुखराज जोड़े मानिक। हीरा लसनिया गोमादिक, मोती पाना परवाल, हीम चांदी नूर कंचन, पिरोजा कपूरिया करे खुशाल। मूल मिलावे के मध्य में आए 64 थम चबूतरे की पूर्व दिशा में दो थम पांच यानी हरे रंग में आए हैं और ठीक सामने पश्चिम दिशा में दो थम नीलवी के हैं। आमने सामने इनकी झलकार आपस में जंग करती हुई प्रतीत हो रही है। चबूतरे की दक्षिण दिशा में दो थम माणिक के हैं जो उत्तर दिशा में आए पुखराजी आभा से जगमग करते दो थंबों से जंग कर रहे हैं। पांच के जोड़े दो थंब पूर्व दिशा में, पांच के दो थंबों के जोड़े दो थंब नीलवी के आए हैं और पश्चिम दिशा में नीलवी के थंबों से लगते दो थंब पांच के आए हैं। दक्षिण दिशा में माणिक के थंबों से लगते दो थंब पुखराज के आए हैं और उत्तर दिशा में पुखराज के थंबों के जोड़े दो थंब माणिक के आए हैं। ये 16 थंबों का विवरा है। इनमें कई जुदे जुदे रंगों का चढ़ाव है। चारों दिशाओं में दरवाजों की शोभा देखी। पूर्व दिशा में पांच अर्थात हरे रंग में दरवाजा, पश्चिम दिशा में नीलवी, उत्तर दिशा में पुखराजी आभा से महकता द्वार, तो दक्षिण दिशा में मानिक रंग में खिला खिला द्वार। इन चारों दिशाओं में द्वार इनके मध्य आए जो चार खांचे हैं उनमें 12 12 थंब आए हैं। चारों दिशाओं में आए इन चार खांचों के मध्य 12 12 थंब आए हैं, जिनमें चार तो धातु की हैं और 8 जवीर की हैं। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पाना परवाल, हीम चांदी नूर कंचन पिरोजा और कपूरिया, इनके थम नूरमय थम आनंद बरसाते हुए। सोलह सोलह थंबों के बीच में कठेड़ा जो गिरदवाई, तकिए लाल भरे कठेड़े शोभी चारों तरफों आए। 64 पहल के तीन सीढ़ी ऊंचे इन चबूतरों के चारों दिशाओं में चार दरवाजों की शोभा। पूर्व दिशा में अभी देखा पांच का द्वार हरिताभा से महकता हुआ, पश्चिम दिशा में देखा नीलवी का अति सुंदर मेहराबी द्वार, उत्तर दिशा में पुखराजी द्वार पीली आभा से जगमग जगमग करता हुआ, दक्षिण दिशा में माणिक का मेहराबी द्वार लालिमा बिखेरता हुआ। इन द्वारों से तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं। चारों नूरी द्वारों के मध्य जो 16 थंब आए हैं क्रमशः हीरा लसनिया गोमादिक मोती पाना परवाल, हेम चांदी नूर कंचन पिरोजा और कपूरिया, इन थंबों के मध्य
घेर कर रत्नों नभों से जवाहरातों से फूलों से जड़ित नूरमयी कठेड़ा आया है, जिसके साथ लगते लाल रंग के नूरी तकिए आए हैं। घेर कर थंभों के साथ लगते तकियों की शोभा आई है। मध्य भर चबूतरे दुलीचा पश्चिमी नूर अति नरम पश्चम सुखकारी शीतल जहूर। दुलीची के कृत डोरी हरी पीली श्वेत श्याम कई नकस कटाव चित्रामन शोभित बिछोने इस धाम। 64 पहल चबूतरे को भरकर अति नरम पश्चम आई है। अति कोमलता लिए पश्चम जिनमें पांव घुटनों तक धस रहे हैं। पिया जी की आशी की पश्चम अति नरम शीतलता लिए है सुखकारी है। दुलीचे को घेर कर हरी पीली श्वेत और श्याम रंग की दोरी आई है जिनमें अद्भुत चित्रामन आया है। नरमों में अति नरम इन पश्चम में कई प्रकार की नक्काशी है कटाव है चित्रामन में नूरी वृक्ष है बेलियां हैं। बेलियों पे खिलते अर्श की सुगंधी बिखेरते नूरी फूल है और मोती की पुतलियां मनमोहक अदा से नृत्य कर रिझाती हुई इन शोभा को अर्श अजीम की वही रूह देख पाती है जिनका दिल रोशन हो चुका है। दुलीचे का नूर आसमान तक झलकता है। भर चबूतरा चंद्रवा कृत फिरती छलकार झालर मोती लरे लटकट भर चबूतरे पर। चबूतरे को भराए कर आए स्तंभों को चबूतरे की किनार पर आए थंबों को भराए के चंद्रमा की शोभा है। नूरी चंद्रमा में कई तरह के फूलों का बेलों का कटाव आया है कई प्रकार के चित्रामन है मोतियों की झालर है। चंद्रमा पर जवाहरातों के फूल खिले हैं अति सुंदर चित्रकारी नूरी फूल नूरी चित्रामन। इन दुलीची पर शोभित कंचन रंग सिंहासन पांच नीलवी के लगते छलकत नूर रोशन। द्वार बैठते सामने शोभित दाहिने हाथ हक आदि बैठे तखत लग अंग अंग के साथ। चबूतरे पर आई नूरी पश्चिमी गिलम पर कंचन रंग का नूरमयी सिंहासन शोभायमान है। जो चबूतरे की पश्चिम दिशा में दाहिनी तरफ सीढ़ियों की श्यामा जी विराजमान है और सभी सखियां भी चबूतरे पर एक दूसरे के अंग से अंग लगाकर बैठी हैं। छे पाइये जमीन पर रंग जुदे नूर छलकार छे डांडों पर शोभित 10 रंग जुदे योग कर। सिंहासन का वर्णन अति सुंदर आगे वर्णन करते हुए श्री महामती जी कहते हैं सिंहासन में जमीन पर 6 पाए आए हैं जिनमें से अलग अलग रंगों की नूरी किरणें निकलते हुए जगमगाहट कर रही हैं। इन्हीं 6 पायों पर 6 डांडों की शोभा है और प्रत्येक डांडे में 10-10 रंग शोभायमान है। 6 डांडों पर शोभित 10 रंग जुड़े यूं कर हर डांडों में 10 रंग जुड़े छलकत रंग नोर रोशनी इन सिंहासन की सू क्यों कर कहूं जहोर। अर्श की नूरी सिंहासन आप युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की बैठक इन नूरी सिंहासन में आए डांडों में
दस दस नूरी रंग झलक रहे हैं। इन सिंहासन की नूरी रोशनी का किस प्रकार से वर्णन हो। रहे जिनकी कुर्सी की देखा चोड़े सिंहासन दोए, दो तकिए दाएं बाएं नूर झलकर शोभे सोए। सिंहासन की बनावट ऐसी है जैसे एकल सिंहासन हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो सिंहासन साथ साथ रखी है। सिंहासन में दाएं बाएं दो नूरमयी तकिए हैं। दोए छतरी दोए सिंहासन मध्य शोभित मानिक, और रंग न आवी नजरों आगे मानिक लाल माफक। दो कुर्सी के समान सुशोभित सिंहासन, और दोनों सिंहासन के ऊपर दो छत्रों की शोभा। इन छत्र में मानिक नग शोभायमान है। मानिक नग के इन लाल रंग के समक्ष अन्य कोई रंग नजर नहीं आता। दश दोई छत्री मिने शोभित मध्य दरमियान, जुदे पाखी जवेरन की ताकि ज्योत नमाए आसमान। आठों कलशता ऊपर करे जुदे रंगो झलकार, क्यों नूर रोशन इनका कहूं दिल माफक परवर्तिकार। दोनों छत्रियों के ऊपर जिनमें अभी शोभा की मानिक का नक्श शोभायमान है, इन दोनों छत्रियों के ऊपर कलश शोभित है जिनकी पांखड़ियों में अलग अलग रंगों की शोभा है। सिंहासन के ऊपर कुल आठ कलश है, छह कलश छह डांडों के ऊपर, और दो कलशों का वर्णन अभी हुआ दोनों छत्रियों के ऊपर। पीछल दो तकिए हर तकिए कांगरी दोए, रंग आसमानी शोभत लिया घेर चारों तरफों सोए। दो बाजू तकियों पर शोभित दोए हरे रंग, रंग कंचन सिंहासन कई शोभित चवेरों संग। शिराजी श्यामा जी की बैठक के पीछे नूरी चेतन तकिए आए हैं। इन तकियों में नीले रंग की कांगरी आई है जो घेर कर आई है, और राज श्यामा जी के दाएं बाएं हरे रंग में खिले खिले तकिए शोभा ले रहे हैं। कंचन रंग के नूरी सिंहासन में कई रंगों नगों की जवाहरात शोभायमान हो रही है। दोए सिंहासन एक चाकले जोड़े बैठी जुगल किशोर स्वरूप, सुंदरता इन छवि की रस भरे सुंदर रूप अनूप। नूरी सिंहासन में चाकले की शोभा है जिनके ऊपर युगल किशोर श्री राज श्यामा जी विराजमान है। युगल स्वरूप आप श्री राज श्यामा जी का स्वरूप प्रेम रस से परिपूर्ण है, सुंदरता शोभा का कोई पारावार नहीं। युगल स्वरूप विराजत ऊपर सिंहासन भराए बैठी चबूतरे, रूहे दरगाही मोमिन अंग सो अंग लगाए की मिल बैठे एक होई तन। ए वाहिदत के बीच में रहे खास गिरोह मोमिन, ए गिरोह रबानी मोमिन जो असल रूहों के तन। बैठे मूल मेले मिने जिनों के दिल रोशन, कंचन रंग के नूरी सिंहासन के ऊपर युगल पिया श्री राज श्यामा जी विराजमान है, और संपूर्ण चबूतरे पर ब्रह्म प्रियाएं विराजमान है। सभी सखियां अंग से अंग लगाकर एक दूजे के गले में बहिया डालकर एक स्वरूप होकर बैठी हैं। स्वलीला अतीत अखंड परम धाम में ब्रह्म प्रियाएं रहती हैं। ब्रह्म प्रियों की जो मूल तन है वे ही पार ब्रह्म की रबानी गिरोह है।
वही मूल मिलावे में धाम धनी शिवराजी के चरणों में विराजमान है। इन्हीं के हृदय शिवराजी के प्रेम से प्रफुल्लित होते हैं। जुदे जुदे रंगों साड़ियां जुदे बूखन झलकार किरणा लड़े नूर नूर कई हक आदि रूहे करे विहार। कोई साड़ी कंचन रंग कोई रंग दर्पण कोई भीगे जांबू रंग कपूरिये ताड़ी रंग रोशन। दीवे काजलिये कपूरिये को गेहूजा सुरंग कोई श्याम सेत खुलालिए कई नूर नहरा उठे तरंग। कई नूर लहरा उठे तरंग चनोटिये चोली केसरी को जांबू रंग करे झलकार। यूं कई जुदे जुदे रंगो शोभा हक हाथी देखन हार। भर चबूतरे बैठिया कई कंठ हार भूखन जोत झलकर जुदे जुदे जवेरन की ए कहो नजात रोशन। नैन मुने अंग मूर्छत मानो जाने देखत सुपन। दिल मिने दिल देखत खेल देखन को फेरे मन। सखियों के शोभा तो देखिए एक स्वरूप एक तन होकर बैठी इन सखियों की साड़ियां अनंत रंगों से अनंत शोभा से सुसज्जित है। उनके आभूषण उनके अंगों से टकराते हुए सोनी छलकार कर रहे हैं। उनके नूर ही नूर से लवरेज किरणें आपस में जंग करती हुई मनमोहक शोभा का दृश्य प्रस्तुत कर रही है। इस प्रकार से शिवराज श्यामा जी और सखियां प्रेम और आनंद पूर्वक लीला विहार कर रही हैं। किरणा लड़े नूर नूर कई हक आदि रूहे करे विहार। किसी सखी की साड़ी कंचन रंग की है तो किसी की दर्पण रंग में। कोई गहरे जांबू रंग की है तो कोई कपूरिया रंग की साड़ी को धारण किए है तो कोई अनार की तरह सुंदर लाल साड़ी को धारण किए है। कोई सखी की साड़ी दीपक की ज्योति के रंग के समान जगमग कर रही है तो किसी की साड़ी काजल रंग के समान अति सुंदर लग रही है गोरे गोरे अंगों पर। किसी सखी की साड़ी कपूरिया रंग की है तो किसी की गेहूं रंग की तो कोई सखी शाम से गुलाबी रंग की साड़ी में शोभा ले रही है। सखियों की नूरी साड़ियों की उनके नूरी अंगों की किरणें आपस में टकराती हुई लहराती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सखियों की चोली की शोभा तो अति सुंदर कहीं चनोटिया रंग तो कहीं केसरिया रंग कहीं जाबू रंग कहीं जांबू रंग अनेक प्रकार से वस्त्राभूषणों के जुदे जुदे रंग उनकी शोभा आप शिवराज जी श्यामा जी बड़े ही प्रेम से निहार रहे हैं। यूं कई जुदे जुदे रंगों शोभा हक आदि देखन हार। मूल मिलावे के मध्य आए 64 पहल चबूतरे पर सखियां शिवराज जी के चरणों में अंग से अंग लगाकर बैठी हैं। उनके कंठ में कई प्रकार के हार अंगों में कई प्रकार के आभूषण शोभा ले रहे हैं। अनेक जवाहरातों की अलग अलग रंगों की किरणें जगमग कर रही हैं। सखियों के नयन कैसे हैं? खुले हैं पर फिर भी संसार रूपी खेल में होने से झुके झुके से लग रहे हैं। उनके अंग ऐसे मूर्छित लग रहे हैं कि मानो सखियों का हृदय अपने हृदय में ही इस स्वप्ने के खेल को देख रहा है। ब्रह्मप्रियाई खेल देख पाए इसलिए उनकी आत्मिक नजर को फिरा दिया है।
स्वप्न चलता भी दिल में है और देखता भी दिल ही है। दिल मिने दिल देखत, खेल देखन को फेरे मन। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, तुम्हारी बीतक साथ हक। इत जगाए दिखाई सायत, लियो अपना मूल इश्क। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, तुम्हारी बीतक साथ हक। इत जगाए दिखाई सायत, लियो अपना मूल इश्क। लियो अपना, ये सब प्रेतम श्री राज जी के साथ आपकी बीती हुई आपकी अपनी बातें हैं। परम धाम की वह घड़ी यहाँ श्री राज जी ने आपको जागृत करके दिखा दी है। अब आप अपना मूल इश्क धारण कीजिए। प्रणाम जी।